देखिए आज हम दिसंबर 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका 23/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम CDP के क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षिका जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षिका है अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है, शिक्षण की यह विधि क्या है? देखिए इसमें 4 नंबर ऑप्शन है कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा कि प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, COVID-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी बढ़ावा दिए रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानी पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी क्या है? रोहिणी एक स्व प्रेरित अधिगम करता है। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन कहता है, बच्चे द्वारा गृहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ क्या दर्शाती है? जो मतलब अस्थायी संकलात्मक ठहराव, निराधार दावे, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विदार, अधिगम असंगता। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विदार। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रभाव विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है? सृजनात्मकता के लक्षण है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, सृजनात्मकता के लक्षण है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व अवलोकन द्वारा सीखता है, इस प्रक्रिया की प्रथम चरण क्या होता है? देखिए पहला नंबर ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना, ये तो गलत हो जाएगा, दोहराव नहीं करना है। प्रतिमान की क्रिया को याद रखना, ये भी गलत है। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। 5-6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चे के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है? पूर्व ज्ञान के उपयोग नहीं करता है, नहीं है जो रटना जो है नहीं करता है, ये सब करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। जो बच्चा जो है 1 साल के अंदर अपने कक्षा में पिछली कक्षा में क्या एक्टिविटी किया है उसी को जो आंकड़ा रिकॉर्ड किया जाता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वो यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सके, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? जो है वो केवल इन्वायरमेंट से मतलब केवल वातावरण से प्रभावित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होगी मतलब प्रभावशाली है? देखिए इसमें जो है पहला हो जाएगा कलन विधि, दूसरा अन्वेषण। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 2। 10 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए मतलब प्राथमिक समाज सोशलाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेवार होगी? प्राथमिक सोशलाइजेशन में हमारा पहला परिवार और आस पड़ोस आते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह किस भाव नियमन तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए इसमें 12 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की, जानते हैं हम लोग जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था द्वारा बच्चे के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है? भाषा और संस्कृति पर, लैंग्वेज और कल्चर पर, भाषा और संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीता सभी प्रकार के जानवर पौधों धातु और खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। जो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है उनमें से कौन सा सिद्धांत है? प्रकृतिवादी सिद्धांत है। इनमें से कौन सा सिद्धांत है? प्रकृतिवादी सिद्धांत है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उलटने
उलटने क्रम में कर पाना किस चरण की, देखिए ये होगा, ये हमारा मूर्त संक्रियात्मक होगा जिसमें बच्चा पलटा पलटावी का गुण आ जाता है जिसमें, और पूर्व संक्रियात्मक में एक नहीं कर सकता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है, कौन सी जो हमारी जो है शैक्षणिक योजना है जो एक प्राइमरी स्तर पर कक्षा के लिए प्रभावकारी है। देखिए संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, विविध सामग्रियों का प्रदान, जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक चुनौती, जो फिजिकल चुनौती के अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी है, और इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा आधारभूत अभिगम्यता। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, जो बच्चा है पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, अधोगामी सिद्धांत। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, देखिए नहीं है कह रहा है नहीं है, पृथकीकरण और नामीकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पृथकीकरण और नामीकरण। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील स्कूल मतलब प्रोग्रेसिव स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषण बनाती है, कोई भी सक्रिय बच्चा कभी भी एक्टिव रहेगा, टीचर और बच्चा जब भी क्वेश्चन उसमें एक्टिव रहेगा। देखिए इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है एक गणित अध्यापिका जो है उच्च कौशल पूर्ण छात्रों को अपनी सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस संवैधानिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, ये जो है जो हमारे ले वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत का प्रयास कर रही है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण है, देखिए कथन में ए में बोला गया है कुम्हार समुदाय के संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं, और कारण में बोला गया है कि आर कि अधिगम और विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका जो को निम्न में से क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को जो है विद्यालयों में अधिगम मतलब सीखने के मतलब अनेक तरीके विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम यानी सीखना जो वो क्या होगा, प्रयोगात्मक होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, मतलब 8 वर्ष का रोहित एक बच्चा है जो लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे, वो बच्चा क्या वो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण को प्रदर्शित करता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की उन्मुखता, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की उन्मुखता होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है पठन वैकल्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, पढ़ने मतलब अधिगम विकार का बहुक्रम, अधिगम मतलब सीखने के विकारों का जो बहुक्रम है उससे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा और चिंतन लैंग्वेज और थिंकिंग के संदर्भ में जीन प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखिए इसमें प्याजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है, और ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आता है उसके बाद में विचार आता है, और उसके विपरीत जीन पियाजे कहते हैं कि पहले चिंतन मतलब विचार आता है बाद में भाषा आता है।
सताइस नंबर क्वेश्चन है कि जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर जो है ये एक सामाजिक अवधारणा है, मतलब समाज द्वारा बनाया गया अवधारणा है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझने समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रतिक्रियाओं को समझ सकती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दो गिलास में समान मात्रा में जल है, मतलब दो गिलास है उसमें समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है, अनु जो एक मतलब है जो सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है, तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का क्या आधार है, उसकी जो सोच है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा, केंद्रीयता। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गत्यात्मक और संज्ञात्मक विकास जो है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। देखिए यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।